मैं उस्मैल अंसारी और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर 24/7 खबर आप तक। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से। हर्षोल्लास के साथ पीर शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुकद्दस बहुत जोर शोर से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच विकासखंड रिसिया के अंतर्गत ग्राम बुलबुल नवाज में आज 25/2/2020 को पीर शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुकद्दस बहुत जोर शोर से मनाया गया। शाम 5 बजे करीब गागर व चादर मजार शरीफ पे पेश किया गया। रात करीब 9 बजे तक तकरीर प्रोग्राम रखा गया। हमारे चैनल यूपी लाइव 100 न्यूज से बातचीत में ग्राम बुलबुल नवाज के निवासियों से बातचीत करने पर ग्राम निवासियों ने बताया कि उर्स मुकद्दस बहुत सालों से चल रहा है, कोई नए सिर से नहीं चल रहा है। इस गांव के लोगों ने बताया कि उर्स मुकद्दस में सभी धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिराजुद्दीन खां के साथ। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिला बहराइच के विकासखंड रिसिया ग्राम बुलबुल नवाज में खड़े हैं। यहाँ पे पीर शाह हजरत गाजी रहमतुल्लाह अलैह का आज उर्स मुकद्दस मनाया जा रहा है। और आइए हम आज मजार शरीफ के जो कमेटी है उस कमेटी से बातचीत करते हैं। वो लोग कैसे इस उसको मनाते हैं और किस हिसाब से मनाते हैं और क्या क्या खासियत है यहाँ के लोगों में और ये उर्स मुकद्दस में कैसे लोगों का वो रहता है, इसमें कैसे चंदा और कैसे क्या क्या करते हैं लोग। आइए सबसे पहले मदरसा के जो मौलवी हजरत मौलवी जमील मौलवी साहब से बातचीत करते हैं। हजरत बताइए। हेलो, हाँ हजरत, ये उर्स जो है कोई नया उर्स नहीं है। इस उर्स शरीफ की नौयत मौलवी सुलेमान साहब ने शुरुआत की और ये करीब सैकड़ों वर्ष पुराना उर्स हो रहा है। कोई आज नई की बात नहीं है और इसने पूरे गांव के हिसाब मिलकर के चंदा दिया और उसी चंदे से उलमाए कराम को बाहर बुलाया जाता है। यहाँ खाने का भी इंतजाम होता है, उनके भाड़ा किराए का भी इंतजाम होता है और ये लाइट बत्ती का भी उसी पैसे से इंतजाम होता है और ये जो आप बनावट सजावट देख रहे हैं ये उसी पैसे से होता है। और ये मजार शरीफ की बनावट इससे पहले 10 साल पहले 15 हो चुकी है और पूर्वी हिस्सा जो है अब नया नया बना है और दरवाजा भी आप देखिए सामने बना हुआ है। ये कई हजार रुपए में बना, कई लाखों रुपए का सामान इसमें लग चुका है जिसमें तैयार हुआ है। और ये आज कोई नई बात नहीं है, हर साल इसी 25 फरवरी को ये उर्स मनाया जाता है। इसमें हमारे गाँव के तमाम ही उलमाए कराम जो है वो मिल करके शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं और इस काम को अंजाम देते हैं। ये बताइए, उर्स शरीफ में बहुत जोरों शोर से लोगों ने शिरकत किया है, घाघर चादर पेश किया गया है यहाँ पे और इनके घर से घाघर चादर आता है, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि कितने दिनों से ये कर रहे हैं घाघर चादर से और क्या क्या इनको फायदा मिलता है। पहले अपना नाम बताइए। रशीद अहमद खान। और मैंने ये देखा है कि कदीम ज़माने से ये उर्स मनाया जा रहा है और हम अपने बचपने से ये देख रहे हैं कि वो तो हमेशा सुलेमान खां के यहाँ से ये वो तो गागर चादर निकलता है और वो तो मनाया जाता है और इसमें तमाम करीबी गांव के लोग इसमें आते हैं, तमाम मौलाना और आलिम इसमें आते हैं, तकबीर होती है यहाँ से और ये जलसा इसको कामयाब करती है। बगल में हजरत मौलाना इस्लाम साहब खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि बाहरी उलमा आते हैं कि क्षेत्रीय उलमा आके यहाँ के जो तकरीब प्रोग्राम रात में होता है
वो क्षेत्रीय उलमा करते हैं कि कुछ बाहरी उलमा भी बुलाए जाते हैं इस तकरीब प्रोग्राम में, तो इसलिए हम इसमें कि शायर भी आते हैं कि क्या है वो, हम मौलाना इस्लाम साहब से बातचीत करते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं। नाम बताइए। यहाँ का जो उर्स है बड़ी शानों व शौकत के साथ मनाया जाता है, और ये हमको खुद नहीं मालूम ये कब से मनाया जाता है, लेकिन जो जलसे का गुरु विराम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये सन 86 से हो रहा है। पहले इतना सख्त नहीं होता था, छोटा मोटा होता था, लेकिन सन 86 से अल्हम्दुलिल्लाह इसका मियार बढ़ गया है। और यहाँ जो उलमाए किराम आते हैं तो कभी बरेली शरीफ के आते हैं, कभी गोंडा शरीफ के आते हैं, तो कभी बम्बई से आते हैं, तो कभी दिल्ली से बुलाया जाता है। अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हर साल हर जगह से बुलाया जाता है, इंशाल्लाह बुलाता जाएगा। रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुकद्दस था, उस मौके पे आज हम लोग ने भी हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज़ की तरफ से इस गांव वालों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि वो ऐसे ही उर्स जब तक के उनकी जिंदगियां कायम रहे उर्स मनाते रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको